14 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में दरअसल हादसा हो गया था। खदान में लिफ्ट की चेन टूटने की वजह से हादसा हो गया था। निरीक्षण के लिए खदान में अधिकारी गए हुए थे, जिस दौरान लिफ्ट की चेन टूट गई थी। 14 लोग इसमें फंस गए थे और अच्छी बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी को निकाल लिया गया है। सकुशल रेस्क्यू सभी का कर लिया गया है। राजस्थान के नीमका थाना में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में एक बड़ा हादसा दरअसल हो गया था। खदान की लिफ्ट मशीन का रस्सा टूटने के कारण दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। खदान में कई अधिकारियों के फंसे होने की जानकारी मिली। करीब 1875 फीट नीचे जाकर लिफ्ट के गिरने की जानकारी मिली। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आसपास की सभी एम्बुलेंसों को मौके पर बुलाया गया। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार पहले से ही कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सब लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। 14 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस पर ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूँ। जयपुर से मेरे साथ मनु शर्मा जुड़ गए हैं। मनु जी, 14 ही लोग थे क्या जो फंस गए थे? सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है क्या? देखिए, कुल मिला के 15 लोग थे इसके अंदर, जिसके अंदर से 3 लोगों को अभी बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू सभी का हो गया है, यानी कि जो नीचे टीम पहुंची थी, रेस्क्यू टीम जो 1875 फीट की गहराई के ऊपर थी, ये लिफ्ट जहां पर टूटी थी उसका रास्ता, वहां तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी टीम उनके साथ में बातचीत कर रही है, सब कुछ सकुशल है। कुछ लोगों के हाथ में फ्रैक्चर्स आए हैं, कुछ के पांव में भी चोट आई है, इस तरह की सूचनाएं मिली है। बाकी 3 लोगों को ऊपर निकाल लिया गया है, जिनको जयपुर के लिए रवाना किया गया है। जिनकी हालत थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है, उन लोगों को जयपुर के लिए भेज दिया गया है। जयपुर में उनको मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि और भी लोग उसके अंदर मौजूद थे क्या, जो मजदूर थे वो दूसरी लिफ्ट से उसके अंदर नीचे उतरे हुए थे और वो लोग काम कर रहे थे वहां पर, लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ तो उन लोगों को वापस से उस दूसरी लिफ्ट के माध्यम से बाहर निकाला गया था। ये सब काम रात को ही कर लिया गया, लेकिन प्रशासन रात से ही अलर्ट हो गया था, जिसके कारण से कोई बड़ा हादसा होने से जो है इस तरह की घटना नहीं हो पाई और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सभी लोगों को रेस्क्यू करने का काम रात से शुरू कर दिया गया था। दूसरी जो लिफ्ट बनी हुई है पैडलर, उसको नीचे उतारा गया। उसके माध्यम से डॉक्टर्स की टीम, वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, वो लोग नीचे उतरे। उन्होंने पैडलर उस लिफ्ट तक जाकर के और उन लोगों का रेस्क्यू किया है, जो आज सुबह करीबन 7 बजे के आसपास हुआ था। और वहां पर टीम पहुंचने के बाद सबसे पहले उनको फर्स्ट एड वहीं पर दी गई नीचे ही, उसके बाद में 3 लोगों को ऊपर लाया गया। जी, ये हादसा हुआ कैसे मनु जी? क्या लापरवाही और चूक से जुड़ा भी ये पूरा मामला नजर आता है क्या? देखिए, काफी पुरानी है हिंदुस्तान कॉपर जो कारपोरेशन है, केसीसी इसको बोलते हैं, जो वहां पर ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कॉपर जो है वो राजस्थान के खेतड़ी में यहीं पर निकलता है। और यहाँ पर बहुत पुरानी ये माइंस है, जिसके अंदर लगभग करीबन 300 के करीब माइंस अलग अलग जगह बनी हुई है। लेकिन ये जो माइंस थी, इसके जांच पड़ताल के लिए ही कोलकाता से एक टीम आई थी, जो विजिलेंस की टीम थी, उनको सारे सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो सभी जांचने थे। साथ में उनके यहाँ राजस्थान से जो हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के अंदर जो अधिकारी थे, वो लोग सभी कल शाम को करीबन 8 बजे करीब नीचे उतरे थे इस लिफ्ट के माध्यम से। लेकिन लिफ्ट काफी, जिस तरह की सूचनाएं मिल रही, काफी पुरानी थी। उसका जो रास्ता था वो काफी पुराना था, जिसके कारण से जब ये नीचे उतर गए और वापस से जब ऊपर आ रहे थे, उसी समय ये लिफ्ट का जो रास्ता है वो टूट गया था, जिसके कारण से सारा पूरा हादसा हुआ। और देर रात तक जो है जिला कलेक्टर, एसपी, तमाम जिलों के आसपास के जो थाना अधिकारी थे, उनको लोगों का वहां पहुंचना शुरू हो गया था। उन सभी को नियंत्रण करने के लिए वहां पर टीमें लगाई गई और आज सुबह से इनका रेस्क्यू करने का काम शुरू हो गया। जी, शुक्रिया आपका मनु जी, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़े